होस्ट है, वो होस्ट ही मैदान छोड़ के भाग गए हैं कि हम प्रधानमंत्री कैंडिडेट नहीं हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा बात बोल रहे हैं, और जो बड़े घटक दल हैं राष्ट्रीय जनता दल वो बोल रहे हैं कि हम सीएम के कैंडिडेट नहीं हैं। तो जब मैदान छोड़ के भाग गए हैं और आप यहाँ पर स्टेडियम दे दिए हैं कि आके खेल खेलो, तो आप तो दर्शक हैं ना, अब दर्शक बन करके कोई खेल खिला लेना ठीक है, ऑर्गेनाइजर होता है काम करता है, लेकिन 17-18 पार्टी है, 22 पार्टी है, जितनी भी पार्टियां आ रही है पता नहीं मुझे, सबकी अलग अलग विचारधारा है, और एक नेता खोजने के लिए आ रहे हैं। एक नेता है कि इस्टेब्लिश है, जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, जो 9 सालों से इस देश में प्रधानमंत्री के रूप में है, और आने वाला 24 में भी एक सशक्त उम्मीदवार हैं, एक मजबूत उम्मीदवार हैं, और लोग उन पर विश्वास करते हैं। हम सर्वे भी देख रहे हैं, बहुत सारे चैनलों का सर्वे देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा उन्हीं का आता है। तो एक उनके सामने एक नेता खोजने की बात चल रही है, और उसमें लॉटरी होना है, जिसका नाम आ जाएगा वो नेता हो जाएगा, सब उसको मान लेंगे। तो एक खोजने की कयाबत हो रही है और एक ऑलरेडी है, तो हम समझते हैं कि एक मजबूत दावेदार जो अभी हैं और हमारे राज्य देश में प्रधानमंत्री के रूप में हैं, उनके सामने एक अच्छा चेहरा खोजा जाए। हम उनको शुभकामना देते हैं कि वो चेहरा मिले जो आप लड़ाई लड़ सकें। सबसे बड़ी बात है कि मांझी जी की पार्टी कहाँ से बनी थी, मांझी जी कहाँ से निकले थे, जदयू से ही नहीं निकले थे, जदयू से निकले थे। तो अगर पार्टी के तरफ से कहा जा रहा था कि आप आ जाइए, तो ये तो कोई अनुचित या कोई अप्रासंगिक बात नहीं सर। 19 और उन्होंने फैसला किया कि हम नहीं जाएंगे, बाहर चले गए, उन्होंने स्वयं लिख के दिया है। आपने उनको ये क्यों नहीं समझते हैं कि कहा गया था कि आप अगर साथ आ जाइए तो बेहतर है। लेकिन 23 तारीख को इस्तीफा देने की बात आ रही थी कि 23 तारीख को देने वाले थे इस्तीफा, उससे पहले आपने ले लिया। अब ये आपको अगर जानकारी है तो उसका विश्लेषण भी आप ही कर सकते हैं। सर 19 तारीख को सर जीते नाम हमको, और बात हम तो इतने जानते हैं कि वो आए मेरे पास और उन्होंने कहा कि अब हम लोगों का आपके साथ चलना, मैंने हम चलने में असमर्थ है, और उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, उन्होंने लिख के भी वही दिया है। सर 19 तारीख को गृह मंत्री से मुलाकात होने जा रही है, जीतन राम मांझी की अपने बेटे के साथ मिलेंगे सर, क्या गृह मंत्री से मुलाकात होने जा रही है, अमित शाह जी से मुलाकात होने जा रही है 19 तारीख। अरे वो देखिए वो स्वतंत्र हैं और पहले भी मिलते रहे हैं, और वो जब पीछे भी अमित शाह जी से मिले थे तो वो खुद आके हम लोग को बताए थे कि हम मिले हैं। तो अगर वो मिलते हैं, या अब जब हम लोगों के महागठबंधन में नहीं है, हम लोगों के साथ नहीं है, तो कहीं तो जाने का फैसला वो ले ही सकते हैं। ये तो इसमें कोई मैंने इस तरह की अप्रत्याशित बात तो है नहीं।